सरबत खालसा पठानकोट की तरफ से सिंहपुरा मोहल्ला सिंह सभा गुरुद्वारा में गुरु की वाणी की व्याख्या जसविंदर सिंह ने बड़े ही अच्छे ढंग के साथ की। जसपाल सिंह जी के जत्थे के द्वारा कीर्तन के जरिए संगतों को निहाल किया गया, जिसमें सारी संगत के द्वारा बहुत ही उत्साह के साथ गुरु के दर्शन किए गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरबत खालसा पठानकोट वालों गुरुद्वारा सिंह सभा सिंहपुरा मोहल्ला विखे हैड प्रचारक साहबान भाई साहब भाई जसविंदर सिंह छूर जी ने चल रही बाणी की कथा बड़े चुचे ढंग ने की, बड़े प्रमाण दे के बड़ा मन खुश होया। अभी वाहेगुरु अरदास करते हैं सच्चे पातशाह इतने कृपा करो रामदास महाराज जी, जिस तरह के कथा वधिया करते अगों भी होर पता वधिया करन दा बल बख्शो सच्चे पातशाह जी। यह निरोल धार्मिक संस्था वक् वक् गुरुद्वारे 31 साल तो निरंतर गुरु ग्रंथ साहब की कथा चल रही है। इस ऐतवार 12 से 12 अंक से सारा राग चलती पी है। समूह संगतों को बेनती है आओ सुनो अपना जीवन सफला करो, अमृत छको अमृत छको बाणी नाल जुड़ो। ये बाणी ने पार उतारा करना जो कोई नहीं जी कर सकता, ये गुरु का कार्य हो जाएगा। जिते जो मंगोगे वो मिलेगा, सब दी श्रद्धा भावना सब पूरी करके बहुत बहुत धन्यवाद। अगला ऐतवार गुरुद्वारा दमदमा साहब विखे है, जिस विच भाई साहब भाई कुलविंदर सिंह भोगपुर तो आएंगे। समूह संगतों को बेनती है समा 8 तो नौ ही है, आओ सुन के अपना जीवन सफल करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।